Ma'am, left. Vipin. 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 Excuse me. Ma'am, left. Did you call her? What's your name? What's your name? Yeah. हमेशा सुना टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, जरा कुछ हट कर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि एजुकेशन जो ब्रांड एम्बेसडर है, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी आप? आई थिंक पहली बात तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं बहुत स्ट्रॉन्गली फील करती हूँ, बहुत पहले से फील करती हूँ. आई थिंक एजुकेशन इज़ समथिंग जो आपकी पर्सनैलिटी को निखारती है, आपके ओपिनियंस जो हैं वो एजुकेशन पे बेस्ड होते हैं. आप कितने इन्फॉर्म्ड हैं, कितने अवेयर हैं, आप डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं अगर आप एजुकेटेड हैं. आपको सही गलत की अपनी ज़्यादा पहचान होती है. आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो इफ़ यू आर एजुकेटेड यू कैन फाइंड अ वे टू गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट अंडर कॉन्फिडेंट इन एनी सिचुएशन. सो आई थिंक इट्स समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम एट दिस पॉइंट इन माई करियर वेयर आई एम एक्चुअली अ लिटिल अवे फ्रॉम माई एजुकेशनल डिग्री इन टू अ फिल्म करियर. आई एम स्टिल गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट द कॉज ऑफ एजुकेशन एंड yes, it is a responsibility. I think I am in a way responsible as a catalyst maybe to shape the educational and career prospects for the students of our country in New Zealand. I think New Zealand has one of the best educational institutes. All their universities are in the top 3% globally, which is great. It offers such a variety of courses in a very safe and positive environment. So that was my one point when I was getting associated with them, because I think aaj ke zamane mein technology itni important ho gayi hai that dheere dheere it's very important to move towards global citizenship, towards being global citizens who not only can stand tall in India but can stand tall globally, can interact with different people from different countries, can adapt to different cultures and surroundings. So I think when you have a sense of the methods of education from a different country, you evolve as a person and it really helps you. And when you're getting such great opportunities in a country like New Zealand, nothing like it. ओके कृति, कितना प्राउड मोमेंट मानती हैं आप इसलिए क्योंकि एक इंडिया को आप न्यूजीलैंड के तौर पे और इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को आप वहाँ पे प्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई एम वेरी ऑनर्ड. आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट आई वाज द चोजन पर्सन फॉर एजुकेशन इन न्यूजीलैंड एंड फ्रॉम इंडिया. एंड आई थिंक अगेन द वे आई सेड, एजुकेशन इज समथिंग विच आई रियली फील फॉर and it's about the bright future of the students of our country. It's about getting them different opportunities, better opportunities, varied opportunities, so that they can stand tall in life, I think. And if I'm associated with that cause, I can't ask for more. कितने देखा जाए तो फिर राबता से, सॉरी वीरो पंती से लेकर राबता तक सारे आपके रोल्स को सराह रहे हैं. अब फर्जी में किस तरह की बर्फी नहीं देखी? बर्फी बर्फी. अब किस तरह के रोल में आ रही फर्जी में आप? मैं अभी तक कोई भी ऐसा फ्यूचर मेरा प्रोजेक्ट नहीं है जो अनाउंस हुआ है या फिर मैंने अनाउंस किया है. तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वेट फॉर अ लिटिल लॉन्गर. देर आर टू प्रोजेक्ट्स एक्चुअली व्हिच आई हैव सेड यस टू एंड व्हेन द टाइम इज राइट द प्रोड्यूसर्स विल अनाउंस इट. काफ़ी समय से किक टू के लिए भी आपका नाम सामने आ रहा है, यू आर गोइंग टू पेयर अपोजिट शर्मा, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? वेल आई वुड लव टू, आई होप इट्स ट्रू. प्लीज वेट फॉर दैट टाइम. आई थिंक इट्स बेटर इफ थिंग्स कम आउट इन अ क्लियर वे ऑन व्हाट फिल्म आई एम डूइंग एंड व्हेन. Apart from education, I think their culture, I think the vibe of the country, the varied climates, the adventure sports that they offer. So I'm yet to visit New Zealand properly and go on a tourist kind of a trip, which I would probably do soon. Thank you guys. Thank you so much. Thank you.